प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एसएसपी के दिशा निर्देशों पर पुलिस अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते जनपद की पुलिस ने लालकुआ के डोली रेंज बिंदुखत्ता के जंगलों में बह रही नदी के किनारे अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़कर लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट किया। बिंदुखत्ता के जंगलों में चल रही इस अवैध कच्ची शराब की भट्टी की सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, वैसे ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस भट्टी को नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने मौके से कच्ची शराब बनाने के उपयोग होने वाले कई यंत्र बरामद कर उनको भी नष्ट किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान आगे भी चलता रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अवैध शराब से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।